कुमारपाल राजा का ब्रह्मचर्य भगवान से लेकर अभी तक यदि किसी राजा ने जीव दया का सबसे ज्यादा पालन इस दुनिया में करवाया हो तो वो थे राजा कुमारपाल। पहले के जमाने में एक से भी ज्यादा पत्नियां रखने का रिवाज चलता था और राजाओं की कितनी होती थी वो कहने की जरूरत नहीं है। कुमारपाल राजा की भी अनेकों पत्नियां थी, पर धर्म की प्राप्ति करने के बाद राजा कुमारपाल ने राज्य का संचालन करने पर भी शादी नहीं की। जब कुमारपाल की मुख्य पत्नी भोपाल देवी की मृत्यु हुई उसके बाद प्रभु की आरती करने के लिए उसने स्वर्ण से बनी भोपाल देवी की मूर्ति बनाई थी ताकि कोई और स्त्री की जरूरत ना पड़े। अब एक और स्टेप आगे सुनिए। जब चातुर्मास आता तब कुमारपाल राजा मन वचन और काया से ब्रह्मचर्य का अभिग्रह लेते और अगर मन से भी ब्रह्मचर्य टूटता तो वो उपवास का प्रायश्चित करते, यदि वचन से टूटता तो आयंबिल और काया से टूटता तो एकाशने का प्रायश्चित लेते। जिस स्टेज पर सबके कैरेक्टर ढीले हो जाते हैं वहां ये महान राजा ऐसे थे कि जो मन में भी विकार का विचार आने नहीं देते। बोलिए देखे है कभी ऐसे राजा?